नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी दूध को गैस पर बॉईल जरूर किया होगा। आप सभी ने देखा होगा कि जब दूध बॉईल होता है तो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे वो गर्म होता है, बट जब बाहर निकलने की बारी आती है तो वो बहुत जल्दी बहुत स्पीड से अपने बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उबाल बहुत तेज़ आता है उसका। इसी तरह से अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपने अगर ध्यान हटा दिया तो वो दूध बाहर निकलेगा और आपके लिए आपके काम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, समस्याएँ पैदा करने की कोशिश करेगा। दूध तो वेस्ट होगा ही होगा, समय वेस्ट होगा वो अलग। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हमारा पूरा विश्व कुछ इसी सिचुएशन में चल रहा है, जहां पर एक दूध को बॉईल किया जा रहा हो, जैसे कि एक परिस्थिति को बॉईल किया जा रहा है, एक परिस्थिति को धीरे धीरे उबाल की तरफ ले जाया जा रहा है, एक सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। हम बात कर रहे हैं World War III की, विश्व युद्ध की एक कोशिश करी जा रही है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये कोशिश करी जा रही है, ये वर्ल्ड वॉर हो नहीं रहा है, इस वर्ल्ड वॉर को क्रिएट किया जा रहा है। और जब वर्ल्ड वॉर को क्रिएट किया जा रहा है तो डेफिनेटली दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है, सावधानी रखी नहीं जाएगी और दुर्घटनाओं में बाकी सारे लोगों का उलझना समय की बर्बादी करेगा और रिसोर्सेस की बर्बादी करेगा और उसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज, काफ़ी सारे लोग परेशानियों में उलझते हुए नजर आएंगे और जिसकी वजह से इकोनॉमिकल सिचुएशन वर्ल्ड में और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आएगी। ये बात हमने पहले भी कही थी कि ये समय जो है इकोनॉमी को बैलेंस करने का समय है, नहीं तो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आएगी। पिछले चार दिनों में अगर हम देखें ग्राफ तो जिस तरह से ईरान और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम, गोल्ड के दाम किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूसली जो एक राइजिंग हमें देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल दिखाता है कि इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन यहाँ पर बहुत जल्दी और ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, महंगाई और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। ये बात पहले ही ग्रहों में निर्धारित है कि महंगाई तो बढ़ने वाली है और महंगाई के बढ़ने की वजह से इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में क्या स्थितियां और ज़्यादा खराब होने वाली हैं या स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कंट्रोल करना तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ग्रहों में कुछ इस तरह के योग और संयोग यहाँ पर बने हुए हैं कि स्थितियां कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रही है राधा दिन कंट्रोल में आते हुए। शनि मंगल का विस्फोटक योग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मंगल देव जाते जाते शनि को कोई चोट पहुंचा के जाए इस तरह की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और शनि उससे उभरने में समय ले, मतलब कि कोई ऐसी बड़ी घटना देश और दुनिया में घटे जिसकी वजह से कई सारे लोगों को रिकवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए और थोड़ा सा लंबा समय खिंचता हुआ नजर आए। तो अभी दोनों देशों के बीच में हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं और इसकी वजह से बाकी देश भी जो है वो अपने आप में परेशानी महसूस करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान परेशानी महसूस कर रहा है, भारत भी कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आएगा, अमेरिका डेफिनेटली दोनों के बीच में उलझकर और ज़्यादा परेशान हो चुका है, चाइना फायदा उठाने की कोशिश करेगा इसलिए वो परेशान रहेगा, रूस और यूक्रेन अलग ही एक बेंच पर बैठे हुए हैं और वो अलग तरह से अपना गेम खेल रहे हैं, कोरिया इसके बीच में बहुत बड़े लेवल पर अपना एडवांटेज लेता हुआ नजर आएगा, इस तरह के भी योग आगे बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी देश और दुनिया में अगर देखा जाए तो एक अनस्टेबल फ्रेम में यहाँ पर चल रही है और अनस्टेबल फ्रेम में चलते हुए जैसे ही बनेगा मंगल और राहु का अंगारक योग, वैसे ही चीज़ें और ज़्यादा विस्फोटक रूप ले लेगी। मैंने पहले भी अपने संडे के लास्ट लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था कि अंगारक का मतलब क्या है, कि आग का एक लिमिट से तेज हो जाना, वो दूध की जो उबलने वाली मैं बात कर रहा था, जो उबाल है उसका वो ही अंगारक है और वो उबाल और अंगारक की जो सिचुएशन है वो मंगल और राहु के आने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से बनते हुए नजर आएगी। इस पूरे प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब हम टाइम के एक एक मिनट को, एक एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किस किस लेवल तक रहेगा, कितने बड़े लेवल तक रहेगा, क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ऐसे ही आने वाले 10 दिन जो है वो मेरी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा नेगेटिव दिनों में काउंट होते हैं। अप्रैल के महीने में ये 10 दिन बहुत ज्यादा खराब है और उसके बाद मई के महीने में भी कुछ 8 से 10 दिन का पीरियड है वो खराब आएगा, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रैल के महीने में वो 10 दिन जो खराब आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और इन 10 दिनों में भी ज्यादा इम्पैक्टफुल टाइम और डेट कौन सा है जिससे ये पता चलता है कि ये समय पे कोई तो घटना हो सकती है, किसी तरह से कोई तो घटना देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस तरह के हादसे होते हुए दिखाई देंगे। दो बड़े हादसे ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, अदरवाइज आप पहले देखिए कोई ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ में नक्सली ढेर किए गए, पुलिस और एक तरह से नक्सलियों की जो फाइट हुई वो हमने देख ली, जो कि इस डायरेक्शन का पार्ट बनता है हमारा, जो कि ग्रहण के बाद एक इक्वेशन बनाता ही बनाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था इस बेल्ट में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के चांसेस बिल्कुल बनेंगे, वो हमने देख लिए। तो सारी जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं ये ग्रहों के अकॉर्डिंग एक के बाद एक फिट बैठते हुए नजर आ रही है। और इसराइल के साथ जिस तरह की स्थिति बन रही है, इसराइल की कुंडली भी जब हम देखते हैं तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव कुंडली आती है। इसराइल चाह के भी अपने आप को रोक नहीं सकता, इसराइल इस बार एक अड़ियल रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह के भी योग दिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर देखिए किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। दो राष्ट्रों के बीच में समस्याएं तो हो सकती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। भूकंप के चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तख्ता पलट या फिर किसी तरह की आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी राज्य में बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। ये इंडिया और इंडिया के बाहर के देशों में भी पॉसिबल है, इस तरह के योग बन रहे हैं। खासकर ये योग तब बनेगा जब मंगल जो है वो राहु के साथ युति बनेगा, जो कि अगेन कहीं ना कहीं मुझे मई के महीने की कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। इसके अलावा आतंकवाद का बढ़ना, आतंक को फैलना या आतंकवाद के कह सकते हैं कि मुठभेड़ का होना, कुछ इस तरह के योग और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। 18 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल के बीच में काफ़ी सारे ऐसे समय हैं जो कि ये इंडिकेशंस दिखाते हैं और बनाते हैं। 18 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक का समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। इस नेगेटिविटी में भूकंप के झटकों का आना बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देता है। इस नेगेटिविटी में सुनामी के लेवल तक की इंटेंसिटी का देखना स्वाभाविक दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ बड़े देशों में कोई बड़ी प्रॉब्लम का होना या आतंकवादी घटनाओं का होना या दो देशों के बीच में किसी तरह के टकरार और विस्फोटक घटनाओं का होना, जमीन का कंपन उत्पन्न करना, इस तरह की योग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान, इसराइल, ईरान और अमेरिका में भी स्पेशली टेक्सास ले लीजिए, कैलिफोर्निया ले लीजिए और न्यूयॉर्क ले लीजिए, इन सारी जगहों पर इस तरह की योग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी इस तरह की इक्वेशंस देखने को मिल रही है और अफ्रीका के कुछ जगह पर भी, हालांकि अफ्रीका की बहुत ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करी, पर अफ्रीका के भी आसपास का समय जो है, आसपास का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह के इन्फ्लुएंस में आता हुआ नज़र आएगा, इस तरह की योग बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन से दिन रहेंगे जब इस तरह की घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकती है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए वैसे तो 18 तारीख से ही समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब स्थितियां उत्पन्न करना शुरू कर देगा, इस तरह के योग बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये जो दिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस दिन में नेगेटिविटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर कोई घटना घटती है तो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसमें मास कैलकुलेशन में लोगों को नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और इस वजह से ही मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों के ख़राब होते हुए यहाँ पर ज़्यादा देख रहा हूँ, या फिर इनके इम्पैक्ट जो है वो थोड़े लंबे समय तक रहेंगे, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सो घटनाओं में सबसे पहले 18 तारीख से ही, जैसे ये जो 18 तारीख का दिन निकलेगा, रामनवमी जब जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद से ही 18 तारीख से ही स्थितियां जो है वो थोड़ी सी विचलित होना, थोड़ी सी खराब होना शुरू कर देगी। मैं भारत के समय के हिसाब से बता रहा हूँ और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरी जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये भारत के समय को और भारत की राजधानी को सेंट्रलाइज करके मैंने कैलकुलेट करी है, और उसके बाद मैंने दिशाओं के हिसाब से आप सभी को कंट्रीज़ बता दी जहाँ जहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं।
18 तारीख को धीरे धीरे स्थितियां जो है वो थोड़ी सी खराब होते हुए दिखेंगी। 18 तारीख से माहौल बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और 18 तारीख के आसपास में कहीं कोई फायर एलिमेंट, फायर कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आग कहीं लग सकती है, आग की घटनाएं कहीं हो सकती है, इस तरह के योग बनते हैं 18 तारीख एंड 19 तारीख। ये एक चीज को बढ़ावा देने वाला समय है। 18 तारीख और 19 तारीख पब्लिक में विद्रोह करने की, पब्लिक को समस्याओं के साथ जोड़ने की एक इक्वेशन को दिखाता है। और साथ ही साथ 18 और 19 तारीख में लॉ को लेकर के भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, या कोर्ट से भी कोई हमें बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज मिल सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। 18 और 19 निकल जाए उसके बाद 20 तारीख एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड डे होता है। 20, 21, 22 ये तीन दिन तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 20, 21, 22 वैसे तो 18 से 22 का समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में सबसे ज़्यादा ख़राब समय जो रहेगा वो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख का रहेगा। उसमें भी और ज़्यादा ख़राब समय अगर हम देखें तो 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख का इंटेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 20th की अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे के आसपास से ही कोई कोई घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहेगा। और 20 तारीख की शाम को और रात को बहुत बड़ी कोई घटना घट सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। 20 तारीख को रात को 9:30 के बाद से ही आप देखेंगे कि कोई बड़े धमाके हो जाना, या किसी बड़े भूकंप का आना, या कोई बड़ी घटना का होना, इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखाई देते हैं। और 20, 21 और 22 तारीख, 22 तारीख को भी शाम को 4 बजे तक का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव समय यहाँ पर दिखाई देता है। और स्पेशली 22 तारीख को भी 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला समय रहेगा। इस समय के दौरान में भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा जब ये समय निकल जाएगा थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद अगेन 26 एंड 27 का जो दिन रहेगा ये भी थोड़ा सा इंटेंसिफाइड दिन रहेगा, जहां पर चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, बड़ा नेगेटिव रूप ले सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो 27 तारीख का जो समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का जो समय रहेगा 27 तारीख का, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला समय रहेगा। तो इस समय के दौरान में भी कोई बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उम्मीद करूँगा कि ये कैलकुलेशन एक नई तरीके से करी गई कैलकुलेशन है, जो कि हम अभी चेक करेंगे विद द टाइम, समय से पहले समय को और टाइम को कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इवन दो प्लेस भी कैलकुलेशन में है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले एक बार सही हो जाए कैलकुलेशन, उसके बाद मई की जो कैलकुलेशन है उसमें विद द प्लेस एंड विद द इवेंट और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है ये एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें टाइम और समय कितना हमें सपोर्ट करता है और इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ बड़े हादसे इस समय के दौरान में होते हुए नजर आएंगे। भूकंप के झटके स्वाभाविक हैं, पानी में किसी तरह का हलचल होना, पानी में किसी तरह की समस्या होना स्वाभाविक है, और कुछ विस्फोटक घटनाओं का होना भी यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से देखा जा सकता है। तो ये सारा चेन ऑफ इवेंट जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। और अगर इन दिनों में जो मैंने आपको टाइम और डेट बताया है, इस समय में जो भी घटनाएं होती है उसमें अगर हम लोगों के नुकसान की कैलकुलेशन को ध्यान से देखें तो मैं अगेन कहूँगा कि 100+ की कैलकुलेशंस तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है कि अगर नुकसान होगा तो 100 से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें भी और ज़्यादा मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा डीप लेवल पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पहले एक बार थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे, क्या कारण थे, और कैसे ग्रह अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। पर ये क्लियर है कि 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का समय जो है ये उस दूध में उबाल लाने का समय है, एक चीज़ों को इंटेंसीफाई करने का समय है, चीज़ों को थोड़ा सा निराश परेशान करने का समय है। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से विश्व में किसी न किसी चीज़ को लेकर के निराशा पैदा करने का समय है। 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के बीच में आम जीवन में, मतलब हमारी लाइफ में भी आपको कहूँगा कि संभल करके रहिएगा, परेशानियों का समय आपके जीवन में भी है, खासकर रिश्तों को संभाल दीजिए।
लव एंड अफेयर्स में ब्रेकअप हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके रिश्तों में दरारें आ सकती हैं और अच्छे खासे रिश्तों में एकदम से किसी तरह का लांछन लग सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। 18 से 20 के बीच में गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वैसे 18 से 28 के बीच में ही गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई चोट खरोच लग सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस समय में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों में 18 तारीख से लेकर के 28 तक के बीच में, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रैवल करिएगा क्योंकि हेल्थ को लेकर के भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। बाकी मेरी डेली वीडियो की रेमेडीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपको मदद मिल जाएगी और उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा कि किस दिन को कैसे आपको बैलेंस करना है और कैसे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ कि जो जो जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है या आप लोगों ने समझ ली है, और बस आज 16 हो चुकी है, कल 17 है, 18 तारीख बहुत नज़दीक है, हम सभी मिलकर के देखेंगे कि ये 10 दिन हमारे जीवन में कैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के जीवन में किसी तरह की कोई बड़ी निराशा ना आए, कोई बड़ी परेशानी ना आए, और उम्मीद करूंगा कि विश्व में भी कोई बड़ी घटना ना घटे, किसी के साथ कोई नुकसान ना हो। देखते हैं कि ग्रह किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।